सलमान खान की दबंग 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसकी ज्यादातर शूटिंग इंडिया में ही होगी। और अगर इसकी शूटिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी हो गई तो ये फिल्म क्रिसमस पर नहीं बल्कि दिवाली पर रिलीज होगी। और अगर ऐसा हुआ तो इस फिल्म का हाउसफुल 4 के साथ क्लैश हो सकता है। कपिल शर्मा अपनी शादी के बाद सारा फोकस अपने शो और अपने चैनल K9 पर कर रहे हैं। सुनने में आया है कि वो अब अपनी वाइफ गिन्नी चतुर्थ को भी प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे। गिन्नी को फिल्म मेकिंग की काफी अच्छी नॉलेज है, इसलिए कपिल उन्हें खुद के प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। अब बताते हैं हम आपको मणिकर्णिका में यूज हुए कंगना के लुक के बारे में। कंगना ने इस फिल्म में नीता लूला का लुक अपनाया है और कंगना ने 10 किलो से ज्यादा की साड़ी पहनी, जिसके साथ उनकी ज्वेलरी का वेट 20 किलो से भी ज्यादा था। ये एक रानी का लुक था, तो इसमें नीता ने कंगना के लिए 4 तरह के लुक डिजाइन किए थे जो कंगना को बेहद पसंद भी आए थे। इन दिनों रानी मुखर्जी अपने मीटू स्टेटमेंट को लेकर हो रही है काफी ज्यादा जोर, जिस पर कंगना रनौत ने दे दी है अपनी स्टेटमेंट। उनका कहना है, पीपल हु नीड सपोर्ट हु नीड टू बी एम्पावर्ड, वी मस्ट एम्पावर, बट अगर रानी लक्ष्मी भाई जैसे लड़कियां अगर हमारी सोसाइटी हमें दे सकती है तो व्हाई नॉट, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। If they are strong women, we should not discourage women. I was 16 years old when I filed my first FIR against sexual assault. So there are people who can stand up for themselves. They should not be discouraged. वैसे कंगना इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी मणिकर्णिका को लेकर काफी चर्चा में छाई हुई है। टीवी के बिग बॉस को खत्म हुए काफी देर हो गई है, लेकिन बाहर का बिग बॉस अभी भी चल रहा है। जब शिल्पा शिंदे ने श्री के साथ पिक्चर्स शेयर की तो फैंस को ये शेयरिंग पसंद नहीं आई और उन्होंने शिल्पा को बुड्ढी औरत, चिप्पड़ औरत पुकारना शुरू कर दिया। खैर, अब ये बाहर का बिग बॉस कब खत्म होगा ये तो बाहर के लोग ही जानते हैं।